नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। आखिरकार सीबीआई ने गिरफ्तार किया मवेशी तस्करी कांड के आरोपी बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को। गुरुवार की सुबह 10 बजे करीब 100 से अधिक केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ बीरभूम जिले के बोलपुर स्थित आवास से सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया। विभिन्न समय पर तस्करी मामले को लेकर अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने 11 बार बुलाया था, जिसमें वे केवल एक बार ही पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष उपस्थित हुए थे। आसनसोल के कुल्टी स्थित ईसीएल गेस्ट हाउस में सीबीआई कस्टडी में रह रहे अनुव्रत मंडल को मेडिकल जांच के बाद सीबीआई कोर्ट में कर सकती है पेश। अवैध कोयला उत्खनन एवं तस्करी कांड की जांच कर रही सीबीआई के तथ्यों के आधार पर ईडी ने पश्चिम बंगाल के 8 आईपीएस अधिकारियों को 15 अगस्त के बाद हाजिर होने की सूचना दी है। 15 अगस्त के बाद उन्हें दिल्ली के ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जिन आईपीएस अधिकारियों को ईडी द्वारा बुलाया गया है, उनके नाम ज्ञानवंत सिंह, कोटेश्वर राव, एस सेल्वा मुरुगन, श्याम सिंह, राजीव मिश्रा, सुकेश कुमार जैन और तथागत बासु है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पारिवारिक विवाद को केंद्र कर एक महिला ने तेज धार हथियार से हमला कर 4 लोगों की हत्या कर दी। आरोपी महिला ने अपने ही परिवार के सास, जेठ, जेठानी और उनकी 13 वर्षीय बेटी को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ नल खुला रखने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस आरोपी महिला को गिरफ्तार कर चुकी है। कोलकाता के एक नाइट बार से मिला शेयर व्यवसायी का शव। शेयर व्यवसायी प्रदीप शाह बुधवार की रात अपने 2 दोस्तों के साथ नाइट बार पहुंचे थे। शेयर व्यवसायी प्रदीप शाह की मौत कैसे हुई, इस पर पश्चिम बंगाल की पुलिस कर रही है जांच। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस, आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।